कल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रखी गई हैं। आज शाम से ही अपनी ड्यूटी पर सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन बढ़ रहा है, ऐसे में पहले से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यापक स्तर पर तैयार की गई है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दो चीजों पर होती है, एक तो सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और दूसरा सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को डिप्लॉयमेंट किया जाए, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी, अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं। देखिए, अयोध्या में श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी संख्या में हो रहा है और उसको लेके पहले से भी हमारी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है। और जैसा कि आप सभी विदित हैं, हमारी पूरी जो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है वो दो चीज़ों पे कंसंट्रेट हम करते हैं, सुरक्षा से किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए जो हमारी 3-tier सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो इन प्लेस है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी और सीएपीएफ की भी हमारी टीमें जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु जो काफ़ी संख्या में जनपद अयोध्या डेली बेसिस पे आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असूलियत ना हो, उनका आवागमन सुगम रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी और प्रॉपर फैसिलिटेशन लोगों का ये सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस को भी इसमें लगाया गया है ताकि कोई बात हो तो जानकारी मिल सके। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आवाम को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, अयोध्या में सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसको लेकर हिंदू समुदाय शौर्य दिवस तो मुस्लिम समुदाय यौमे गम मनाता है। हालांकि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आ चुका है और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, इसके बावजूद इस 6 तारीख को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। आप देख रहे हैं अयोध्या ब्यूरो की एक रिपोर्ट।